हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में जानेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने तरह के बॉन्ड ब्रेकिंग होते हैं बेटा, ये जनरली सभी जानते हैं, फिर भी आज हम रिवीजन कराते हैं। जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग दो तरह के होते हैं, एक हेट्रोलाइटिक होता है और एक होमोलाइटिक। अब ये होता क्यों है बेटा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन बन होती है या तो उसमें बॉन्ड फॉर्म होगा या फिर उसमें बॉन्ड ब्रेक होगा। तो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है या बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो उसके बिहा पे वो पर्टिकुलर बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं, उसके लिए हम देख पढ़ते हैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूल ब्रेकिंग एंड होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। अब आइए जानते हैं ये होमो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग एंड होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। सपोज हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप है, एल्किल हैलाइड ग्रुप। अब देखो बेटा, जब हम इसको देखेंगे, कार्बन को देखेंगे, एल्काइल ग्रुप को देखेंगे और हैलाइड ग्रुप को देखेंगे, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इस पर डेल्टा नेगेटिव और इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस वाले आर पे कौन सा चार्ज जनरेट हो जाता है, पॉजिटिव, और इस क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो ये क्या है, इसमें बेटा इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन थे ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो गए हैं, क्लोराइड आयन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से अब इसने क्या किया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिया है और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है इसने इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इस तरह के फ्यूजन को, इस तरह के ब्रेकिंग को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की इक्वल शेयरिंग नहीं हो रही, इसमें इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास पूरी तरह से चला जा रहा है और दूसरा एटम उन इलेक्ट्रॉनों को पूरी तरह से दे रहा है, तो बराबर की हिस्सेदारी नहीं हो रही है, बराबर की शेयरिंग नहीं हो रही है, इसलिए इस तरह के बॉन्ड को हम हेट्रोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग बोलते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये ए है, एक एग्जांपल हम और लेते हैं। सपोज हमारे पास आर बी आर है, ठीक है, एल्काइल ब्रोमाइड। इसमें भी सेम वही चीज है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे डेल्टा नेगेटिव और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस आर पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस बी आर पे कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं टर्शियरी क्लोराइड का। सपोज हमने एक टर्शियरी ग्रुप लिया है और यहाँ पे सीएल लगा है। बेटा यहाँ पे आई नो कि जो कार्बन है वो टर्शियरी है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ से लगे हुए हैं, बट फिर भी ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्लोराइड आयन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और इस पे जो डेल्टा पॉजिटिव और जो डेल्टा नेगेटिव था ये चार्ज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका टर्शियरी केटायन और यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्लोराइड आयन। तो इस तरह किसी एक पर्टिकुलर स्पीसी पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज का आना, देखो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये क्या है, ये हेट्रोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग है। मतलब कि इनमें बराबर की शेयरिंग नहीं हुई, कोई एक एटम पर दोनों बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है और एक एटम बिना इलेक्ट्रॉनों के रह रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। अच्छा एक चीज और समझ लेते हैं, जब भी एल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, ये क्या शो करते हैं, ये इनको हम बोला जाता है केटायन, क्योंकि ये कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है जिसको हम बोलेंगे कार्बो केटायन। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, होमो का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता था कि डिफरेंट तरीके से टूटना, हेट्रो मतलब क्या होता है, इक्वल, नॉट इक्वल, ठीक है।
और होमो का मतलब होता है इक्वल, होमो का मतलब होता है इक्वल, इसमें जो भी शेयरिंग होगी, जो भी बॉन्ड फ्यूजन होगा, जो भी चीजें बटेंगी वो इक्वली बटेंगे। सपोज हमारे पास कुछ इस तरह की स्पीसी है, अब इसमें क्या होगा बेटा, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन में देखा जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, और इस वाले बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो जब अब यहाँ पे फ्यूजन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। ओके, तो फ्यूजन क्या हुआ है, बिल्कुल इक्वली हुआ है, इसको बोलेंगे होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। और ये जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, ये जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, इनको हम फ्री रेडिकल्स भी बोलते हैं। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इसमें सपोज हमने लिया CH3 CH2, बी एग्जांपल है ये, और यहाँ ये बॉन्ड के थ्रू CH2 CH3। अब यहाँ पे जब बॉन्ड फ्यूजन होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे आएगा, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, CH3 CH2 फ्री रेडिकल, और एक दूसरा बनेगा CH3 फ्री रेडिकल और CH2 और फ्री रेडिकल एंड CH3। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हेट्रो में हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग इक्वली ना होकर के किसी एक तरफ इलेक्ट्रॉन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और होमोलिटिक में देखो इलेक्ट्रॉनों की इक्वली शेयरिंग हो रही है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि होमोलिटिक उन्हीं रिएक्शंस में होंगे जिनमें जो एटम्स होते हैं वो क्या होंगे, वो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होंगे। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल्स, अभी हमको बचा है कार्बोएनायन। कार्बोएनायन क्या होते हैं, आइए उसके बारे में देख लेते हैं बेटा। सपोज हमारे पास CH3 है और यहाँ पे हमने लगा दिया लिथियम, ये लिथियम क्या है, ये एस ब्लॉक का होता है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर चेक करें तो लिथियम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से होगा तो इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव और इस पे डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि ये लिथियम से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अब जब फ्यूजन होगा तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और इस लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो जब भी कार्बन पे कोई पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है तो उसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायन, और जब कार्बन पे कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है तो इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, और जब कार्बन पे कोई नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है तो इसको हम बोलते हैं कार्बोएनायन। तो आज हमने इस लेक्चर में, इस वीडियो में क्या क्या जाना, होम बॉन्ड फ्यूजन दो तरह के होते हैं, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। हेट्रोलाइटिक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड के, वो किसी एक एटम की तरफ जाएंगे, कौन से एटम की तरफ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। होमोलाइटिक में जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो बराबर की शेयरिंग होती है, क्योंकि जो एटम्स होते हैं वो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स। होमोलाइटिक में जब भी कार्बन अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, सॉरी ये जो कार्बोएनायन होता है वो कब फॉर्म होगा, जब इसमें भी हेट्रोलाइटिक फ्यूजन ही होगा कार्बोएनायन में, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन एक किसी एक पर्टिकुलर एटम पे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये और ये हेट्रोलाइटिक का एग्जाम्पल है, और ये क्या है, होमोलाइटिक का एग्जाम्पल है, लेकिन हम आप बात क्या बता रहे थे, ये कार्बोकेटायन है, ये फ्री रेडिकल है, और जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं कार्बोएनायन। थैंक यू।